तो कैसे हो आप लोग? आज हम फिर से एंड गेम स्टडी करेंगे। एंड गेम स्टडी जो है काफ़ी यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको पता रहा ही होगा, मैं प्रीवियस वीडियो में रुक पॉन किंग वर्सेस रुक पॉन वीडियो बना चुका हूँ। चाहे तो आप देख सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं फिलिडोर पोजीशन। तो फिलिडोर पोजीशन में क्या होता है, जब भी आप ब्लैक साइड से खेल रहे हो, मतलब डिफेंडर साइड से, आपके पास एक पॉन डाउन है तो वाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। आपको क्या करना है, गेम को ड्रॉ करने की ट्राई करनी है। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने कल की वीडियो में एक पज़ल दिया था, तो उस पज़ल की ओर चलते हैं। तो ये रहा पज़ल। यहाँ पे लास्ट मूव खेला गया था F4। व्हाइट ने यहाँ पर लास्ट मूव खेला था F4। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इज़ क्वाइट सिंपल है। तो एन पसंद करना है सिर्फ आपको, ई कैप्चर F3। तो यहाँ पर एन पसंद के बाद क्या हुआ, डिस्कवर चेक फ्रॉम द क्वीन टू किंग। तो किंग यहाँ पे ई F2 पर जाने के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा नाइट जो है वो F2 कवर कर रही है। तो यहाँ पे हो गया ना वन मोमेंट। तो चलिए, ये पोजिशन का, यहाँ पे फिलिडोर पोजीशन में आपको गेम ड्रॉ करना क्वाइट सिंपल है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, अगर यहाँ पे आप ब्लैक साइड से खेल रहे हो, बेस्ट कंटिन्यूएशन ढूंढो, ड्रॉ की सीक्वेंस ढूंढो। तो यहाँ पे इकलौता मूव है आपको गेम को ड्रॉ होने में मदद करता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी गलती करते हो तो धीरे धीरे आपका हाथ से गेम निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट मूव है रुक टू A6, जिसे हम बोलते हैं थर्ड रैंक डिफेंस। ये जो ब्लैक साइड से हम देखें तो ब्लैक का टेरिटरी में ये जो मैंने हाईलाइट किया हूँ, ये जो रैंक है वो थर्ड रैंक बन जाता है। तो यहाँ पे थर्ड रैंक डिफेंस हम इसलिए कर रहे हैं, हम मेनली प्रिवेंट कर रहे हैं किंग टू E6 आने के लिए। तो यहाँ पर किंग टू E6 जब भी आता है तो किंग क्या है, वो D6 स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर हम फोर्स कर रहे हैं कि पॉन टू D6 खेला जाए। तो यहाँ पर पॉन टू D6 के बाद क्या होगा कि किंग जो है वो कभी D6 स्क्वायर को यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वाइट क्या कर सकता है, तो यहाँ पर चेक दे सकता है। हम फिर से वही करेंगे। सो यहाँ पे चेक देता रहता है तो थ्री रिपीटेशन हो जाएगा और मैच ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फोर्स कर रहे हैं कि पॉन को आगे खेला जाए D6। तो हम क्या करेंगे, वापस रुक रुक टू A1 ले जाएंगे। और यहाँ पे मेनली वाइट का थ्रेट है कि किंग टू E6 एंड यहाँ पे धीरे धीरे इस पॉन को सपोर्ट करते किंग टू D6 एंड चेक, एंड हमारा किंग को हटना होगा। तो यहाँ पे किंग ने E7 स्क्वायर जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये जो क्वीन बनने की स्क्वायर है D8, तो वहाँ पे इजीली वाइट ने अपना पॉन जो है वो प्रमोट कर लेगा। तो हमें क्या खेलना है, चेक देना है। तो यहाँ पे किंग टू E6 खेलता है, तो हमें क्या खेलना है, चेक देना है सिर्फ। तो अगर किंग कहाँ पर भी जाए, इस पॉन की सपोर्ट लेते हुए कहाँ पर भी जाए, आपको क्या करना है, चेक देते रहना है इस तरह। अगर किंग यहाँ पे जिगजैग करके आपको मारने की ट्राई करता है तो आपको फिर से पॉन की तरफ निगाह रखना है, तो पॉन एडवांस ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है टोटली थेरेटिकली ड्रॉ बन जाएगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे आप रुक टू A6 खेलने के बजाय यहाँ पर आप कौन से भी गलती करते हो, तो यहाँ पर लाइक रुक टू E1 चेक देते हो, तो यहाँ पे किंग जो है वो D6 स्क्वायर का यूज़ कर सकता है। यहाँ पे अभी मेन थ्रेट है कि रुक टू H8 एंड चेकनमेंट रुकमेट। तो यहाँ पर ऑपोजिशन देख रहे हैं, किंग का ऑपोजिशन। तो यहाँ पे आप पैसिवली खेलते हो, लाइक इसे प्रिवेंट करने, रुक टू H8 प्रिवेंट करने। तो यहाँ पे अब आ सकता है, अब रुक का मोबिलिटी का कमाल देखिए, डायरेक्ट स्विच हो सकता है वन साइड टू अनदर साइड। तो यहाँ पे थ्रेट है कि रुक टू A8 चेकमेंट। तो आपको
किंग को मूव करना ही पड़ेगा। अगर आप रुक कहीं पर भी मूव करते हो तो चेकमेट हो जाएगा, किंग मूव करना पड़ेगा, तो आप इस तरह रुक को भी खो बैठोगे। तो अगर आप यहाँ पे इस चेक के बाद किंग टू d6 के बाद यहाँ पे मेट हो रहा है, तो आप लाइक किंग को कहीं पर भी मूव करते हो तो चेक आता है, तो यहाँ पे किंग टू f7 जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वाइट यहाँ पर खेल सकता है किंग टू d7। तो धीरे धीरे अपना पॉन आगे बढ़ा के पॉन जो है वो ऑब्वियसली प्रमोट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेनली यहाँ पे आपको थर्ड रैंक व अपना जो थर्ड रैंक होता है उसको आपको डिफेंड करना है, ताकि किंग जो है वो e6 एंड d6 स्क्वायर जो है वो यूज़ ना कर सके। तो ये रहा आज का ड्राइंग मेथड। तो ये तो याद रखने में बहुत ही इजी है, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थर्ड रैंक डिफेंस करना है और रुक को वापस लाना है और यहाँ से पीछे से चेक देते रहना है। तो ये जो पोजीशन है उसको फिलिडोर पोजीशन जाना जाता है, इसको वो टोटली थेरेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। तो आप भी फेस करते होंगे बहुत गेम खेलते वक्त, ये वीडियो आपको यूजफुल होगा। खैर आज की पजल पर चलते हैं, ये रहा टुडेज पजल। तो आपको यहाँ पे mate in 3, इट्स अ वाइट टू मूव mate in 3। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे किसी भी इंजन के सहारे बिना। ट्राई कीजिए, अगर गलती भी होता है तो भी चलेगा, आपको ट्राई करना है। मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।